कोरोना वायरस के संक्रमण के चरम पर स्वास्थ्य सेवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत से दो चार होने वाले जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लगातार ऑक्सीजन प्लांटों को स्थापित करने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बंद पड़े प्लांट को तैयार कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन बढ़ाने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि एक माह पहले जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आम आदमी से लेकर खास तक को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए शहर के उद्योगपतियों के साथ सरकारी सहयोग बढ़ाकर ऑक्सीजन उत्पादन में गोरखपुर को आत्मनिर्भर बना दिया है। पहले जो उत्पादन 1500 सिलेंडर प्रतिदिन था, वो बढ़कर अब 8000 सिलेंडर प्रतिदिन हो गया है। भविष्य में किसी प्रकार से ऑक्सीजन के कारण किसी की जान ना जाए, उसी को देखते हुए रविवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गीडा स्थित अन्नपूर्णा गैस प्लांट पर पहुंचकर ऑक्सीजन उत्पादन की स्थिति देखी और सरकार के सहयोग से बन रहे प्लांट का निरीक्षण किया। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने बताया कि एक माह पहले हम लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन इस समय आसपास के 20-25 जनपद हमसे ऑक्सीजन ले रहे हैं। सरकार की मदद से 7 साल से बंद अन्नपूर्णा ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू कर दिया गया है, जहां पर हवा से ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। इसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट 15 जून तक पूरी क्षमता के साथ ऑक्सीजन उत्पादन करने लगेगी। साथ ही जनपद में छोटे बड़े मिलाकर कुल 15 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो दुगनी क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं और आज 8000 प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे हम पूर्वांचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। इस मौके पर मंडलायुक्त एवं जनपद नोडल अधिकारी जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने बताया। आप
दो दिन में बना दिया। हमारे सरकारी कर्मचारियों को दे दिया करिए, फोर्स वालों ने भी बड़ी मदद की। प्रमोशन से क्या सलामी साहब भी जा रहे हैं मैडम? उसको यहाँ से आईमार्क में जो कमर्शियल ऑक्सीजन लगता है उन्हीं से तो फिलअप करवाएं। कमर्शियल ऑक्सीजन लगता है उसमें सर, हम लोग का जो नेचर होता है अपना जो है वो 150 के जी तक ही भरने का होता है। ऑक्सीजन प्लांट पर निरीक्षण किया गया है कि इन फ्यूचर हम लोग कितनी कैपेसिटी डिमांड को कम ले सकते हैं? देखिए आपको याद होगा तो एक महीने पहले कितने शार्टेज था ऑक्सीजन का, इस समय में हम लोग इतने सरप्लस हो गए हैं। यहाँ का 20-25 जनपद हमसे ले जा रहे हैं। आज जो हम लोग के पीछे जो प्लांट है अन्नपूर्णा प्लांट है, ये तकरीबन 7 साल से बंद पड़ा है और यहाँ का जो बहुत सारे सहयोग के माध्यम से यहाँ खड़ा हो गया है। इसी की क्षमता यदि फुल कैपेसिटी में 1500 सिलेंडर पर डे के हिसाब से चला सकते हैं या हवा से एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन बना लेता है, इसलिए LMO के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो यहाँ का मोदी प्लांट है उनने भी तो अपने क्षमता दोगुना करा लिया, और RK प्लांट है वो भी एक नया स्थापना हो गया। उसके अलावा हम लोग छोटा बड़ा यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे हैं, तकरीबन 15 प्लांट हम गोरखपुर में अभी लगा रहे हैं, पर जून 15 तक लग जाएगा। तो सारे मिला के पहले हमारे पास केवल 2000 सिलेंडर पर डे का क्षमता था, अभी हम लोग के पास 8000 आज के समय में हो गया है। अब जून 15 तक हम लोग कम से कम तो 15000 सिलेंडर का क्षमता के हिसाब से रहेंगे, हम तो सरप्लस रहेंगे, पूरे पूर्वांचल का हम दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट भी लग रहा है सेपरेटली, इसलिए जो यहाँ बचने के बाद हम तो यहाँ आसपास का पूर्वांचल कितने जनता का है हॉस्पिटल का सभी को हम देंगे उतनी कैपेसिटी में।